नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है आफ्टर मार्केट। मार्केट बंद होने के बाद अदानी पोर्ट्स के लिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और ये न्यूज नेगेटिव है अदानी पोर्ट्स के लिए। क्या है पूरी डिटेल आप सभी के साथ शेयर करता हूं। डेफिनेटली आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स कहीं ना कहीं प्रेशर में थे, बट अदानी पोर्ट्स के लिए ये जो खबर आते हुए दिख रही है नेगेटिव न्यूज आ रही है। क्या है डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं। उससे पहले जरा आज के सेशन में अदानी पोर्ट्स का क्या हाल था, कैसे ट्रेड करता हुआ दिखा है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद मैं आप सभी के साथ खबर भी शेयर करूंगा कि क्या है न्यूज। तो अदानी पोर्ट्स की बात करें, 629 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 9 कहीं ना कहीं 9 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ है, 0.25% की गिरावट देखी आपने इस स्टॉक पे। नॉर्मली ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश है, मतलब ये जो करेक्शन देखिए अदानी ग्रुप में वैल्यूएशंस की, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी, इन सबके बावजूद कहीं ना कहीं अदानी पोर्ट्स के स्टॉक को लेकर ब्रोकरेज हाउस नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं, ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव ही थे। अब यहां बात करते हैं कि क्या है पूरी न्यूज। तो न्यूज की बात करते हैं सबसे पहले। अदानी पोर्ट्स नॉर्मली 629 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 56 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, एवरेज वॉल्यूम 1.7 करोड़ शेयर्स का है। अब आते हैं डायरेक्ट न्यूज पे। तो इसराइल की एक पोर्ट कंपनी हाइफा पोर्ट, इसराइल्स हाइफा पोर्ट अनाउंसेस वर्क इज हॉल्टेड इन अकॉर्डेंस विद लेबर स्ट्राइक। लगभग लेबर स्ट्राइक की वजह से इनका काम रोक दिया गया है हाइफा पोर्ट का। तो फिर अदानी पोर्ट्स के लिए क्यों नेगेटिव है। हाइफा पोर्ट इसराइल की एक कंपनी है जिसकी लेबर ने स्ट्राइक कर दिया और इनका काम इस समय करंटली रुक गया है। और इस पोर्ट में अदानी पोर्ट लगभग 70% स्टेक ओन करती है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। एंड जब मैंने हाइफा पोर्ट को थोड़ा डिटेल में गूगल पे सर्च करा तो मुझे एक रिपोर्ट दिखाई दी इकोनॉमिक टाइम्स पे, तो वो भी आपके साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगा मैं। इट कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ परचेज ऑन January 11 दिस ईयर, following which upgradation work has been going on in full swing at the port. The Indian partner in the consortium holds 70% of the stake, while its Israel partner Gadot holds 30%. तो इंडियन यानी कि अदानी पोर्ट लगभग 70% होल्ड करती है और इसराइल की गैडॉट लगभग 30% होल्ड करती है। और ये कंपनी के लिए, दोनों ही कंपनी के लिए खबर नेगेटिव है। जनवरी 11 को इसका एक्विजिशन हुआ था 2023 यानी कि इसी साल। ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यहां पे कुछ अमाउंट भी आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो डिटेल है। द सिटीज मेयर सेड ऑन ट्यूजडे, अ कंसोर्टियम ऑफ अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक अदानी पोर्ट्स मींस एंड इजराइल्स गैडॉट ग्रुप वॉन द टेंडर इन जुलाई लास्ट ईयर, प्राइवेटाइज द पोर्ट ऑफ हाइफा फॉर अ स्टैगरिंग $1.8 बिलियन, यानी कि $118 करोड़ का कहीं ना कहीं इन्होंने टेंडर जीता था अदानी पोर्ट एंड गैडॉट ग्रुप ने, जिसमें 70% अदानी ग्रुप होल्ड करता है। ये अपने आप में एक बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज है। हाइफा मेयर डीआर आयनत कालिश रोटेम सेड द डेवलपमेंट वुड हेल्प रियलाइज द लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर द ऑफ द सिटी, टर्निंग इट इनटू अ स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग एंड अ रियल सी सिटी इन द मेडिटेरियन। तो इस कंपनी के लिए ये डेफिनेटली एक नेगेटिव न्यूज है। अब चार्ट्स पे आते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं कि चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं अदानी पोर्ट्स के। तो स्टॉक की बात करें या पूरे ग्रुप की, एक रिवर्सल देखा आप सभी ने जो कि कहीं ना कहीं फिजल आउट हो रहा है और चार्ट्स भी नेगेटिव है। अदानी पोर्ट्स कहीं ना कहीं अब आपके लिए दोबारा से 580 से लेकर 550 रुपए की रेंज में जाता हुआ दिख रहा है। तो जिसके पास स्टॉक है, मुझे लगता है आपको हल्की फुल्की पोजीशन को एग्जिट लेना चाहिए। इनफैक्ट मैंने आज अदानी पावर विलमार पे भी सेम व्यू दिया। सारे स्टॉक देखेंगे तो एक बॉटम बना, रिवर्सल आया, दोबारा गिरावट हुई और फिर रिवर्सल आया और अब फिर गिर रहा है। और अब कहीं ना कहीं जो वो वॉलिटिलिटी थी, जो मतलब इम्पेशेंट ट्रेडर्स या फिर इन्वेस्टर जो भी थे, जिनको तुरंत लग रहा था रिबाउंड करेगा या फिर जिन्हें तुरंत लग रहा था ये गिरावट ये सब खत्म हो गया बेच दो, वो सब कहीं ना कहीं अब फिजल आउट हो गया, अब दोनों नॉर्मल हो गए। अब जो नॉर्मल सोच समझ के ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि वॉलिटिलिटी अब खत्म होती हुई दिख रही है। तो ये जब खत्म हो रहा है तो चार्ट नीचे ही आते हुए दिख रहे हैं, गिरावट कंटिन्यू दोबारा से होने लगी है और टॉप बना दिया है सारे स्टॉक्स ने और टॉप से गिरी रहे हैं। अदानी पोर्ट्स की पर्टिकुलरली बात करें तो 712 के लेवल्स के समथिंग इसने टॉप बना दिया है, दोबारा नीचे आ रहा है। फर्स्ट टारगेट 580 एंड सेकंड टारगेट 580 एंड सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं
560-540 तक भी ये नीचे में आ सकता है। मेरी तरफ से तो आप यहाँ पे हल्की पोजीशन कर लें, वो बेटर ऑप्शन है। सारा बेशक मत भेजें, बट हर उछाल पे थोड़ा थोड़ा आप जरूर छोड़ते रहें, और फ्रेश बाइंग या फिर बॉटम फिशिंग बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो यदि एक ब्रेकिंग न्यूज जो मैंने आपके साथ शेयर करी और मेरा भी अदानी पोर्ट्स के स्टॉक को लेकर, होप आपको वीडियो ये न्यूज समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।